हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो गाइस, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आगे बढ़े गाइस, सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने खुशी खुशी अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपने सांसों का बलिदान कर दिया हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी स्वतंत्रता को हम व्यर्थ ना जाने दें, अपने भारत को और सुदृढ़ बनाए। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको मिलजुल के रहना है, है ना। एंड जो भी हमारी सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, उनको संजो के रखना है। और अब बारी है गाइस ध्वजारोहण की, चलते हैं छत पर, करते हैं ध्वजारोहण, लहराते हैं हमारे भारतीय फ्लैग को, झंडे को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। तो गाइस एक तो लग गया है यहाँ पर, अब इसके बाद एक हमको करना है ऊपर रूफ टॉप पर। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। सबसे पहले तो गाइस आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि किन्होंने हमारे ध्वज का निर्माण किया, जो भारतीय हमारे उनका क्या नाम है। और जो हमारा केसरी रंग है गाइस, ये बलिदान का प्रतीक है। नीचे जो वाइट है ये है शांति का प्रतीक, और जो ग्रीन है वो है बोले तो हरियाली का प्रतीक। सो गाइस हमारे जो ध्वज में जो भी चीज़ें हैं, चाहे ये चक्र है, इसमें चक्र में 24 तिलियां होती हैं। 24 तिलियां का मतलब ये है गाइस कि 24 घंटे हमें काम में जुटे रहना है, देश की सेवा में जुटे रहना है, रुकना नहीं है। तो ये ध्वज का हमारे एक मतलब निकलता है, ऐसे नहीं हमारा ध्वज बनाया गया है। चलिए इसको शान से लहराते हैं ऊपर रूफ टॉप पे। आइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। सो गाइस आ गए हम रूफ टॉप से ध्वजारोहण करके, अब बारी है लंच करने की। मोहतरमा हो चुकी हैं, लाल पीली, खाली लाल हुई है, पीली नहीं हुई है। पीली किसी टाइम पहले हुई थी जब इनको पीलिया हुआ था, फिलहाल लाल हो गए धूप में, और मेरा बालक भी लाल हो गया। अमूमन वैसे इसका पिछवाड़ा लाल होता है, आज इसका चेहरा लाल हो गया है, तो काफ़ी दिन से हफ्ते में नहीं आ रहा मेरे, तो इसलिए बचा हुआ इसका पिछवाड़ा। सो गाइस क्या है कि ज़्यादा देर हम धूप में रह नहीं पाए, रीज़न कि मैं थोड़ा सा अनवेल हूँ, मेरा स्टमक जो है अपसेट है। हालांकि बाहर आज का मौसम बहुत अच्छा है, मौसम इस तरीके से अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही, सब एंजॉय कर पा रहे हैं, पतंगबाजी कर पा रहे हैं, बारिश होती तो शायद नहीं कर पाते। बट मेरे जो पेट के बादल हैं वो गरज रहे हैं, धमाधम बरस रहे हैं। सो गरज के साथ बीच बीच में छींटे और बारिश पड़ रही है। 4 बार जा चुका हूँ सुबह से, दूसरी बार ऐसा हो रहा है 10 दिन के अंदर कि मुझे हल्का हल्का फीवर आ गया है। 10 दिन पहले भी आया था, 1 दिन के लिए सेम सिचुएशन, स्टमक अपसेट हुआ था, एंड आज भी सेम सिचुएशन कि स्टमक मेरा अपसेट है और हल्का हल्का फीवर है। देखते हैं कल का दिन कैसे रहने वाला है। अभी लंच करते हैं, फिर चलते हैं रूफ टॉप पर दोबारा से, जब थोड़ी सी धूप हल्की हो जाएगी फिर करेंगे पतंगबाजी और दिखाएंगे आपको पेचे लड़ा के, और गाना गाएंगे पतंग उड़ा रे छोरे पतंग उड़ा। बो आई बो काटे, डर गई है थोड़ा सा। सो गाइस अब बारी है रूफ टॉप पर जाने की, बेटा ऑलरेडी कर चुका है ऊपर की ओर कूच। आगे बढ़े, मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो चीटें दिख रही हैं गाइस, ये बेटे की हरकतें हैं, सुबह नहाने के बाद जो बालों को उसने छटका है उसकी वजह से चीटें हैं, ऐसा नहीं कि गंदा रहता है। मोहतरमा का नाम नहीं ले सकता नहीं तो पीट देगी। बेटे ने किया, ठीक है, बेटे ने किया पता, बाद में लोग देखेगी, वैसे तो सुनी रही है, नहीं तो देखेगी जरूर पिंच करेगी, मेरा नाम क्यों लिया। बेटे ने किया, हाँ ठीक है भाई, बाहर करती है, अंदर कमरे में नहीं करती। तो गाइस ये गंदा नहीं रहता है, फिलहाल गंदा है। एंड अब कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं ले जाने के लिए, वो मैंने कर ली हैं इकट्ठी, जैसे कि स्पीकर और बैंडेज। गाइस सिचुएशन ये है कि स्पीकर गाने प्ले करूंगा तो कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, अगल बगल भी बहुत गाने चल रहे हैं जो कि सुनाई दे रहे हैं मुझे, तो पता नहीं मैं कितना कैप्चर कर पाऊंगा ऊपर का, कोई आइडिया नहीं है, देखेंगे।
चलिए गाइस चलते हैं रूफ टॉप पर, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की, बट जैसे कि मैंने बताया सिचुएशन आपके सामने, कॉपीराइट का इशू आ सकता है क्योंकि अगल बगल सब ने गाने लगा रखे हैं। और बने रहिए चकास पापा पर। बालक बुला रहा जी, बालक चलो। सो गाइस जैसे ही छत पे आया हूँ, जनाब ने पतंग काट रखी है और लपेटने के लिए जैसे कि आप देख ही रहे पिछले अगर ब्लॉग मेरे, तो ये कार्यभार मेरा है लपेटा लपाटी करने का। ध्वज शान से लहरा रहा है हमारा। वेरी गुड शाबाश। ठीक है चल चल चल, हाँ चल 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 चल। सो देख लो गाइस, अगर आपने पहले देखा है तो तुक्का नहीं था, इस बार भी इसने खुद ही उड़ाई है। हाँ ये भी सही बात है, इससे पहले जो कह रहा है कि मैं पतंग कटवा चुका हूँ वो किसने उड़ाई, तब तो मैं नीचे था। जय हिंद। इससे लगा ये पटेल है ना। कई पतंगों के नाम किस किस के जानते हो आप बताओ। अब जैसे ये वाली तो हम उड़ा रहे हैं, ये है तारा, एक होती है पटेल और एक होती है भेड़ियल, सॉरी ये भेड़ियल है, ये वाली पटेल में तो आधी पट्टी होती है, चिड़ा। सो आपको क्या क्या नाम याद हैं बताइए। गोरी हमारी तिरंगा, भेड़िया लगाते दाद, खींच मत मार, हर बार खींचनी लगती है, काट दिया अब्बा, उल्टी खींच मारी तूने। उल्टी जनरेशन उल्टे काम, देख लो जी ऊपर से नीचे की तरफ खींच मारी है। गाइस देख रहे हैं, खींच 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 खींच, टेढ़ी मत खींच, टेढ़ी मत खींच, कट गई भाई, कट गई जरूरी है भाई, हारने की खुशी मनानी चाहिए, कोई तो जीता है अपना। एक एक बराबर पे चल रहा स्कोर, यानी दो पतंग काटी हैं और दो कटवाई हैं, ठीक है तो सौदा खरा खरा। अब तूने करना क्या, पिछली बार तो तूने ऊपर से खींच मारी कट गई, चलो कभी एक बार हो जाता है, अब तूने क्या करा इस बारे में, तिरछी खींच मारी, तिरछी नहीं मारनी चाहिए पतंग के हमेशा, जैसे पतंग तूने क्या करा तिरछी ले ली इस साइड से, इस साइड तिरछी खींच नहीं लेनी, हमेशा पतंग के नीचे आके ऊपर को खींचना होता है, ठीक है। चल अब मैं इसको बैंडेज लगाता हूँ, फिर देखते हैं काटते हुए कुछ रिकॉर्ड कर पाए तो। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान देना, शादी से पहले और बच्चे होने से पहले जितने भी शौक पूरे करने हैं कर लो, फिर खींचना जरा दबा 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 दबा, अरे 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 उसी में अटक गई, उसमें अटक, खिंचम तानी गई, कट गई कन्ने से कट गई। मोहतरमा आ गई, क्या लेकर आई है। ओके फ्रूट आ गए हैं, मैं पूरा श्योर हूँ कि तेरी कन्ने से गई होगी, कन्ने से ही गई है, देख ये देख, ये देखो गाइस मैंने कहा था ना। सो कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि कन्ने कैसे बांधने हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कन्ने अगर बांधते हैं सर्दी से तो उसका ये नुकसान है, देख लो एग्जांपल भी मिल गया। ऐसा नहीं कि सबर भी करना होता है, नहीं मौका मिल रहा तो इसका मतलब नहीं खींचते रह जाओ, अब उसने पतंग खड़ी कर रखी है, तो यार मान्य बार बार हाथ में छल्ले बन रहे हैं। लगाऊं क्या, लगा दे यार, लगा दे। अच्छा ठीक है भाई ठीक है, चल अब एक काम कर, पहले तो थोड़ा नीचे कर पतंग को अपनी, चल लगा, चल चल, पीली वाली हमारी गाइस और ये रेड वाली पड़ोसी की, देख के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, गलत 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 है तेरी तो, गलत कर रहा है, पता है। ले भाई चल गया खाना, फटाफट रोक दे, फटाफट रोक दे पापा। यार पापा यार ये नहीं होता, आपने एक ही पतंग से 10 पतंगे काट दी मेरे को एक बार में, अभी और जाने वाली है, देख 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 उधर दिखा, उधर दिखा, ग्रीन वाला अपना ओपोनेंट है, लाल वाली अपनी है, गई देख ग्रीन, वाह कितनी हो गई, 11 हाँ। सो गाइस हम भी होते हैं 9-2-11, एक पतंग से 11 पेचे हो गए हैं और हाथ भी खून खून हो गया मेरा भी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये कट गई क्या, नहीं नहीं लटकी पड़ेगी, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मैं बात कर रहा हूँ तिरंगा मूवी की, भैया देखना मत भूलेगा,
ठीक है। अब जो इस चीज से रिलेट कर रहा है प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। अब मैं वाइफ को करता हूँ इंसिस्ट कि आए और थोड़ा सा अपना पतंग उड़ा रे छोरा पतंग उड़ा पे डांस को दिखाए अपने। हाँ हो सकता है कॉपीराइट आए, छोड़ दो यार मिट्टी पाओ। आ जा भाई बोल तो ऐसे ना से क्या डांस कुछ नहीं हो गया जैसा भी है मैं गाना प्ले करता हूँ। भाई माड़े राजस्थान भाइयों मने माफ कर दियो अगर हम ते गलत डांस होए। ओए कमेंट में जरूर बताना मम्मा और पापा में से कौन अच्छा कर रहा है कमेंट में जरूर बताना। पापा अच्छा कर रहे हैं सामने सामने तो करो ना मैं क्या कर रहा मुझे आई नहीं अभी मैं जीत गया सॉरी पंजाबी कर गया। भाई प्लीज एडजस्ट यही तो है हमारा भारत। यस राजस्थानी गाने पे पंजाबी डांस। भाई देखो नकली डांस किया इसने पक्का मैं एक दिन ऑफ बीट यानी इसको ये नहीं पता लगने दूंगा कि व्लॉग कैप्चर हो रहा और फिर रिकॉर्ड करूंगा। सब्सक्राइब का बटन है लड़ा दो उसके साथ पेज देखा लड़ाई तो छोड़ियों का काम है। गलती हुई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा और हाँ ये दिखाऊंगा पक्का और मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।